एक्स पर एक तस्वीर शेयर करते हुए कई यूजर्स दावा कर रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने भारत को एक जेनोफोबिक देश कहा है जो अन्य देशों के लोगों से नफरत करता है। एक यूजर ने न्यूज़ 24 द्वारा बाइडन की एक ग्राफिकल इमेज शेयर की और दावा किया कि भारत एक जेनोफोबिक देश है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने भारत को एक जेनोफोबिक देश कहा है। आपको बता दें कि जो लोग दूसरे देशों के लोगों से नफरत करते हैं उन्हें जेनोफोबिया से पीड़ित कहा जाता है। यानी बाइडन ने भारत को दूसरे देशों के लोगों से नफरत करने वाला देश बताया है। वहीं कई अन्य यूजर्स ने भी इसी तरह के दावे किए हैं। वायरल दावे की जांच के लिए डीफ्रेक टीम ने गूगल पर कुछ कीवर्ड सर्च किए। इस दौरान टीम को कुछ मीडिया रिपोर्ट मिली। इंडिया टुडे की हाल ही में प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार व्हाइट हाउस ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की जेनोफोबिक टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए स्पष्ट किया है कि वह एक व्यापक बिंदु पर बात कर रहे थे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन जीन पियरे ने जोर देकर कहा कि अमेरिका के सहयोगी और साझेदार अच्छी तरह से जानते हैं कि बाइडन उनका कितना सम्मान करते हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है कि बाइडन एक व्यापक टिप्पणी कर रहे थे और अमेरिका के बारे में बोल रहे थे कि आप प्रवासियों का देश होना कितना महत्वपूर्ण है और यह हमारे देश को कैसे मजबूत बनाता है। वहीं लाइव मिंट की एक अन्य मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि व्हाइट हाउस ने राष्ट्रपति जो बाइडन की भारत, जापान, रूस और चीन को जेनोफोबिक राष्ट्र कहने वाली टिप्पणी का बचाव किया है, जिसमें अमेरिका को अप्रवासियों का स्वागत करने वाले देश के रूप में उजागर किया गया था। बाइडन ने राष्ट्र और सहयोगियों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए अप्रवासियों का देश होने के महत्व पर जोर दिया था। डीफ्रेक के फैक्ट चेक से स्पष्ट है कि भारत के बारे में बाइडन की जेनोफोबिक टिप्पणी एक्स पर भ्रामक दावे के साथ शेयर की गई है, क्योंकि बाइडन अमेरिका के बारे में बोल रहे थे कि वह कैसे अप्रवासी लोगों का स्वागत करता है।